हजरत नवासा रसूल दाऊ मैं जिक्र खैर करना आया वी ये कौन हुसैन इब्ने अली है अपने नाना जान दा प्यारा नवासा हुसैन ही नाने दे कंधियां ते लोरियां लैण वाला हुसैन ही अपने नानी दी जबान च उसके जवान होण वाला हुसैन ही अपने नानी दी जबान च उसके अपनी प्यास खत्म करन वाला हुसैन ही अपने नाने दी पुछत ते सवार होण वाला हुसैन ही अपने नाने को नमाज सिखण वाला हुसैन ही अपने नाने को वुज़ू दा तरीका सिखण वाला हुसैन ही अपने नाना रसूल दी शरीयत सिखण वाला हुसैन ही करबला विच दुनिया वालियां नूं दस्या है जदों मुश्किल वक्त आवे सर सजदे विच नज़र रख के दुनिया नूं दसणा वे कि करबला च हर तरफ तलवारां होवन दुश्मन दी तलवार ने आम तो बाहर होवे मगर सैयद आदा अगर झुकना पसंद करेगा तो अपने नाना दे खुदा दे अगे ही झुकना पसंद करेगा लखां करोड़ां यजीद होवन हुसैन दे कदमां दी खाक दा मुकाबला नहीं कर सकदे क्योंकि हुसैन दा सर झुकदा है तो खालक अगे ही झुकदा है। इस वास्ते करबला च हुसैन इब्ने अली ने दस्या वे कि मेरा सर अल्लाह वास्ते मेरा झुकना अल्लाह वास्ते मेरी इबादत अल्लाह वास्ते नज़र न्याज अल्लाह वास्ते। अजीजा ने मन जदों करबला विच सैयद ने सब कुछ अल्लाह वास्ते किया इस वास्ते असी कदी भी अल्लाह नूं छड़ के होर किसे वास्ते ना कोई नज़र न्याज लगा सकते हैं लफज ना किसे वास्ते को लफज जोड़ सकते हैं। सैयद ने करबला च दस्या जनाब सैयद दे टुकड़े टुकड़े भी कर दो ना कुरान छड़दा है ना रहमान छड़दा है। बोलो ना कुरान छड़दा है ना ना रहमान छड़दा है। अजीजा ने मन मौलाना शरीफ साहब मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर मजाफा तो आने वाले गयूर मुसलमान भाइयों अली का घर भी क्या घर है वो जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। अली का घर भी क्या घर है वो जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मनहूम होता है। अजीजा ने मन अर्ज करना चाह रहा वे कि शान बयान करना आवे आ मैं तेरे सामने नक्शा बयान कर जावा मैं आले बैत नू हक ते मनना वे खानदान रसूल नू हक ते मनना है जिन्हें नबी दी आल ते सुलम कीता है वो क्यामत नू बदमस्ता बनिया च पकड़े जावनगे बेनियाज ने माफ नहीं करना पर मैं उन्हां नू भी जालम कहना है जिन्हें नबी दी आल नू खत लिख के बुलाया खुद बुला के हुसैन दा साथ छोड़ दिता जिन्हें खत लिख के बुलाया ऐ मौलाना शरीफ साहब ने फजल रहमान साहब ने मैनु इस खोखरा वाले पिंड अंदर बुलाया ते इत्थे बुला के अगर मेरा साथ ना देवन फिर इन्हां नू लोग कहणगे यार गंदे ते ओ नहीं जिन्हें मौलवी नू बुला के फिर उहदा साथ नहीं दिता उहनू अपने पिंड बुला के पुलिस दे हवाले कर दिता या मार दिता क्यामत तक लोग लानत पाउणगे। जरा ईमान ना दस जेड़ा एक आम जे बंदे नू अपने पिंड बुला के धोखा देवे उनू लानती कहना वे ओए उहनां दा की नाम रखा जिन्हें खानदान रसूल नू बुला के छे महीने दे अली असगर नू बुला के औनो मुहम्मद नू बुला के कासम अब्बास नू बुला के ना हत्ते इमाम नू बुला के ना फौज लैके आया वे ना हथियार लैके आया वे आका जल्दी आ जाओ असी हजरत हैदर करार दे शिया आई असी शिया ने अली आओ हैदर करार दे मन वाले आओ लोगो उन्होंने नबी दी आल नू 18,000 खत लिखे सी बोलो कितने हजार 18,000 खत लिखे सन कि आका कूफे आ जाओ असी तुहाडे बाप हैदर करार दे मन वाले आओ मौला इमाम हसन दे मन वाले आओ मेरे हुसैन ने तबार कीता है पर नी चांदी अशनाई कोलों फैज किसे ना पाया कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जहमाया ओ बेशर्मी दे हलवे नालों साग
सरों दा चंगा मुनाफक यार दी यारी नालों साथ कुत्ते दा चंगा ओ कौन किसे दा गम लैंदा है हर कोई अपना कम लैंदा है कौन किसे दा गम लैंदा है हर कोई अपना कम लैंदा है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन जदों मेरे इमाम दा काफला मक्का मुकरमा तो नौज़ुल हज नूं उधर कूफे दी तरफ रवाना आया वे उधर जनाब इमाम मुस्लिम दा काफला जदों कूफे पहुंच चुके आई अहलम सहलम मरहबा जी आया नूं फेंदे ने आका किवें आने होए फरमाया मीना अल हुसैन मैं हुसैन दी तरफ आऊं भेजे आया सफीर बन के आया कूफे दे हालात दा पता लैन आया वे मैं डायरेक्ट वास्ते नहीं आया इनडायरेक्ट आया मैनू हुसैन ने भेजे आवे कि पहले पता लवो कूफे दे लोगों दे मजाज कैसे ने आका जल्दी खत लिख दो 70,000 कूफी मेरे इमाम मुस्लिम दी बैत हो चुके आवे कि इमाम नू खत लिख दो कि तुसी कूफे अंदर आ जाओ ना उधर मदीना पाक तो जदों काफला हुसैन दा चलिया मक्का मुकरमा मैं हज करके आया वी नौ ज़ुलहज दा दिन सी हाजी हज पढ़दे पै दी अली दा लाल कूफे जा रहा वे खानदान रसूल कूफा जा रहा है एक अकला शेर अली दा अते दुश्मन सजे खबे मुसलमानों जदों सैयद दा काफला चले आई चलदिया चलदिया कूफे जा रहा है आका जल्दी आ जाओ कूफे दे हालात साजगार नहीं जदों दोस्ता कूफियां नहीं हुसैन नू खत लिख के मंगवा लिया वे उधर इब्ने ज़ियाद नाती बसरे दा गवर्नर आओ यजीद ने गवर्नर बदले आओ हजरत नमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु नू कूफे दी गवर्नरी तो मजहूल कर दिता वे सिर्फ जुर्म इतना सी कि आले मुहम्मद ना नरमी वरतदा है खानदान रसूल ना प्यार करदा है और मैं इत्थे बरबला कहांगा मैं उसको सहाबी नहीं मानता हूँ जो आले मुहम्मद का अदब नहीं करता हूँ क्योंकि आले मुहम्मद वो है जिसने अपने नाना की पुशत पे नाती नमाज के दौरान प्यार हासिल किया है और सहाबी उसको कहते हैं जिसने मुस्तफ़ा को देखा हो हुसैन उसको कहते हैं जिसको नबी ने चूमा हो सहाबी उसको कहते हो जिसने हुसैन को चूमते हुए नबी को देखा हो आज दी तकरीर च मैं बड़े बड़े अशकाल दूर कर जावांगा कौन कहता कि आले मुहम्मद नू नहीं मानदे अजीजा ने मन असी हर उस नू मनने आ जेड़ा मुस्तफा नू मानदा है असी हर एक दे नौकर आऊं जो मुस्तफा दा नौकर आऊं मगर साढ़े च एक ही नुक्से आऊं असी खुदा नू खुदा मनने आऊं मुस्तफा नू मुस्तफा मनने आऊं आले नबी मनने आऊं असहाबे नबी नू असहाबे नबी मनने आऊं ताबियां नू ताबी मनने आऊं हर एक दा मकाम अलग अलग मनने आऊं पर ओना मनने आ जिन्ना कुरान ने दसिया है बोलो जिन्ना जिन्ना मुस्तफा ने दसिया है क्यों मुसवर खैचवा नक्शा आओ जिसमें इतनी सफाई हो उधर फरमाने मुहम्मद हो इधर गर्दन झुकाई हो जो सैयदादियां दा काफला ना जी करबला पहुँच रहा वे उधर यक मुहर्रम दा दिन आ रहा वे हुण जरा तवज्जो नाल बात सुनना सुननी है मैं चाहना एक एक बात समझांदा जावां अर्ज करदा करबला दे अंदर एक मैं नुक्ता और बयान कराऊँ तारीख वाले मुसलमानों तारीख च डंडी क्यों मारी हुंदी है क्योंकि मुअर्रख दी गल जड़ी हुंदी है उहदे विच अना शामिल हुंदी है वो अपनी गल ज्यादा लिखदा है मुखालफ दी इज्जत ते सिफत कम लिखदा वे इसे वास्ते तारीख च डंडियां वजियां ने मगर हदीस दे विच डंडी क्यों नहीं वजदी क्योंकि हजूर ने फरमाया जिहड़ा मेरे ते झूठा बतान लाए किसी गल नूं मेरे वल मनसूब करे वो अपना ठिकाना जहन्नम समझे इस वास्ते हदीस उस तरह मेरे नबी दी तेरे मेरे तक पहुंची है जिदे च ज़ौफ होवे ओदे च ताबीन ने जिक्र करता है फलां रावी एदा ज़ईफ है कमजोर आ झूठ बोल लैंदा जी ओदे तकवे ते शक आ ओदी तहारत ते शक आ हदीस अज तक महफूज है तारीख क्यों नहीं महफूज नेरे आवा गल समझावा ताडे अल्लाह ना करे बन टुट जावे इथों दे सियापी पूरी गल नहीं लिखणगे कि किदी गलती तो टुट टाए जिन्हें बनवाया है वह भी बेच शामिल जिन्हें कमीशन खाधी वह भी शामिल फिर मूँह मिला दे होंगे ने लिखण वाले ने
अपने बच्चे नहीं मरवाने, इस पिंड च रहना ही, इस शहर च रहना ही। एदा मतलब है तारीख दान लिखण च डंडी मार देंदा है, मगर हदीस लिखण वाला अपनी कबर सामने रखता है। बोलो, तारीख लिखण वाला डंडी, क्योंकि उहदे च उहदा अपना मुहब्बत चकाओ रख रखाओ हुंदा है, पर हदीस लिखण वाले दे सामने दुनिया नहीं हुंदी, दीन हुंदा है। तारीख ते कदी भी नहीं लड़ना, मुअर्रख अपनी गल लिखदा है। मिसाल दे तौर ते मेरी जमात दा मौलवी कोई गलती करे, मैं पुलिस नूं कहांगा मिट्टी पाओ। बोलो की कहांगा, जिथे मेरा होर असर होया उन्होंने भी कहांगा। इहदा मतलब है ताड़े अंदर कोई भी तारीख च वाकया हो जाए तो लिखण वाला उस वक्त दे दौर दे सहिंदे बंदे तो डर के लिखेगा। उची बोलो, सहिंदे बंदे तो। यह जिहड़ा वाकया करबला है ना, इहदे विच हर मौलवी अपनी अपनी गल क्यों बयान करता है कि हर लिखण वाले ने गल अपने कोलों कोई ना कोई वधा के लिखी। चलो की किया वधा के लिखा, सारी कौम आले नबी नूं बुज़दिल साबित करन ते लगी, शर्म नहीं आती। चलियो, आले नबी बुज़दिल नहीं है, जन्नत के सरदार है। सिर्फ आपको मैं लाहौर से मेहमान बुला के बना के इधर बुला लूं और आपको आते धोखा दे दूं, इसमें आले मोहम्मद का क्या कसूर है? मेहमान तो आता है, बिस्तर भी साथ नहीं लाता। ऊंची बोलो, बिस्तर भी, बर्तन भी। वो कहता मैं तो मेहमान, मुझे तो वहां सब कुछ मिलेगा। आगे मेजबान बेईमान हो जाए तो इसका इलाज क्या? तो असा सारे मुल्क च रौला पाया आंदा है जी, आले मुहम्मद नाल बड़ा जुलम होया। अल्लाह की कसम उठाता हूँ, आले मोहम्मद ने सब्र की इंतहा कर दी और उन्होंने जुलम की इंतहा कर दी। अल्लाह ने बताया, जालमा तुमने हुसैन से धोखा करके कोई इज्जत नहीं कमाई, क़यामत तक दुनिया में तुम्हें जलील करूंगा। हुसैन का नाम मिटाने वाले उनकी कब्रें मिटा दूंगा, हुसैन का नाम क़यामत तक जिंदा रखूंगा। आज देख लें, हुसैन को मिटाने वाले का कोई नाम लेता है? कोई बच्चे का नाम रखता है? कोई इब्ने ज़ियाद दे नाम ते, कोई शिमर दे नाम ते कहिंदे? बल्कि जिन्हों जालम कहना वे उन्होंने आ शिमरा कहते ना कि नहीं, वह बंदा आता तू मैंने शिमर कहता की वजह है? उन्हें पता है ये शिमर जालम नू कहते, शिमर ने आले मुहम्मद से जुलम किया है। इसलिए आज से मेरा तुमको पैगाम है, आले मुहम्मद जो है वो कल भी दलेर थी, आज भी दलेर है। मुझे बोलो, कल भी दलेर थी, आज भी दलेर। बताएं, 72 आदमियों पे मुश्तमिल काफला था, उन्होंने हुसैन का साथ छोड़ा है? नहीं छोड़ा, बल्कि हुसैन इब्न अली ने कह भी दिया था, इस्लाम ने क्या कहा था कि जिसने जाना है वह जा सकते, मगर जब दिया जलाया तो रात के अंधेरे में ऐलान किया, सुबह की फजर के लिए देखा तो सारे ही साफ में मौजूद थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों, हाँ अजीजा ने मन में बड़ी मुहब्बत नाल विच विच मसाइल भी बयान करता पाया, तारीख भी बयान करता पाया, नुक्ते भी बयान करता पाया, और मैं आले बैत का तस्करा भी करना पाया। मैं जो अजीजा ने मन अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा मानने वाले मेरे मदनी करीमा कदा कलमा पढ़ वाले मुबरे साध नबी नाल मुहब्बत का इजहार करने वाले जरा लफ्ज़ सुनते जाने जरा ध्यान दे नाल अजीजा ने मन अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफा मानने वाले जदों दोस्ता गवर्नर बदलिया गया है उधर इमाम मुस्लिम का साथ देने वास्ते जो लोग दावत करते पै नहीं पहला ही आर्डर इब्ने ज़ियाद दा है कि जिन्हें मुस्लिम की बैत की थी उसके बच्चे यतीम करते जाएंगे खानदान रसूल का जिन्हें साथ दिता वो इटना इट वजा दी जाएगी। अजीजा ने मन चाहिए सी सब कुछ जानता तो जाए पर खानदान रसूल का साथ ना छड़ दे क्योंकि खत लिख के मंगाया वे दावत दे के मंगाया मेहमान बनाया
अर्ज करता पाया साढ़े लागे हमसाया मुलक अफगानिस्तान है उन्हें एक मेहमान दे खातर 20 साल जंग लड़ी है। मैं उन्हें खूफिया का की नाम रखा जिन्हें एक दिन नहीं कढ़िया तो अखा फेर लिया। बोलो अखा अखा फेर लिया। हाँ 20 साल जंग लड़ी है कूफी ला यूपी। ये इसीलिए जुमला बना था इसमें वफा नाम की कोई चीज नहीं। जिन्होंने मौला अली से वफा ना की इमाम हसन से वफा ना की सुन ले मेरी बात इतने बैठे हैं मैं आपको लिख कर देता हूँ। जिन्होंने खानदान रसूल से बेवफाई की सबसे पहले तो मुजरम ये हैं। बोलो सबसे पहले मुजरम ये हैं जिन्होंने बुलाया और फिर साथ ना दिया और फिर कहते जी हम मजबूर थे हमारे बच्चे मार देने थे उन्होंने। तो तुम अपने बच्चों को आले नबी के बच्चों से अफजल समझते हो। मैं अपना अकीदा रखता हूं अर्श के नीचे फर्श के ऊपर अगर अंबिया के बाद कोई इज्जत वाली हस्तियां हैं तो उसको आले मोहम्मद कहते हैं। हजूर ने कहा मेरी आल से प्यार करो। हजूर ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और हदीस और अपनी इत्रत छोड़कर जा रहा हूं जब तक इनको थामे रखोगे तुम गुमराह नहीं होगे। एक हदीस लाओ जिसमें हुसैन ने अपने नाना की शरीयत की मुखालफत की हो। एक हदीस लाओ जिसने मौला अली पाक ने एक लफ्ज भी शरीयत के खिलाफ कहा हो। एक हदीस लाओ सगदा फातिमा से एक हदीस लाओ कि अपने बाबा की शरीयत के खिलाफ बेटी ने यह काम किया है मैं मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। अल्लाह की कसम है जब तक तुम आले मोहम्मद से वुजू ना सीख लो तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। ये वुजू करना तो तुम्हें हसनैन करीमैन ने सिखाया है। और मैं सलूट करता हूँ इस मस्जिद की इंतजामियों को कि इन्होंने वाकया करबला और इमाम हुसैन का तस्करा करा के दुनिया के दिलों से ये बात ख़त्म की है कि हम आले मोहम्मद से बुग्ज़ नहीं रखते बल्कि आले मोहम्मद से हम मोहब्बत रखते हैं। और कितनी रखते हैं हम दुरूद ही वो पढ़ते हैं जिसमें मोहम्मद व आले मोहम्मद होती हो। हम तो दुरूद ही वो पढ़ते हैं। कईयों का दुरूद है बाईपास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें आल विच्चों ही कढ़ दी। मैं मौलवियों को कहना उल्लू दे पठे हो दरूद चो आल कढ़ी और नमाज चो कढ़ के बहाओ। हाँ बोलो किधे जो कढ़ के बहाओ पर बंदे पढ़ते ही नहीं ताइए बोले नहीं भी आते ने अही कढ़ना की अही पढ़ते ही नहीं। बोलो तो ताइए तो बोले नहीं क्यों जी हज़रत साहब। ये नमाज तो हुसैन ने करबला में पढ़ी और हम रोड़ों पे सबीले लगा कर बैठे हुए हैं जोर भी जारी असर भी जारी मगरब भी जारी ईशा भी जारी फजर भी जारी बस हुसैन के नाम की सबील हमने लगा ली है। मैं पूछना चाहना है हुसैन ने तो प्यासे रह कर नमाज नहीं छड़ी तो तू जग पानी के अंदर सुट सुट के नहीं पढ़ना। और हुसैन ने करबला में पानी मांगा ही नहीं किसी से। उन्होंने बोला पानी लेना है तो फिर बैठ कर कहते हैं मैं तुझसे सवाल करूं मैं उस खुदा के मानने वाला हूं जो मेरे जद अमजद के पांव के नीचे से पानी का चश्मा जारी कर देता है। बोलो हुसैन किसके नाम का खाता था। ऊंची बोले किसके नाम का खाता था। अल्लाह के नाम का खाता था। हुसैन अल्लाह के नाम का पीता था और हुसैन ने दुनिया को तलीम दी है कि जो भी चीज खानी है वो निस्बत खुदा के नाम से खानी है। अगर उस पर किसी और का नाम आ जाए तो हुसैन की तरह कटना बर्दाश्त कर लेना मगर किसी के आगे झुकना बर्दाश्त ना करना। असाबे काफ तुमने कभी सुना। बोलो साबे काफ वो अल्लाह के वली थे। मैं सवाल करता हूँ बादशाह ने कहा कि आ जरा दरवाज़ा है मेरे अगे झुक के लंघना है। उन्हें क्या कट तो सकते हैं शहर तो छड़ सकते हैं पर यार दे शरीक अगे झुक नहीं सकते। यार दे शरीक अगे केड़ा यार सी उची बोले यार इतने लफ्जी अल्लाह हौली कहिंदे ने पता नहीं कोई मार्शाला लगी है। ला मैं लाहौर जाके कहना भी मैं एक पिंड गया वो अल्लाह के नाम से बड़ा चिड़दे सी
ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੇਖਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੇ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਭੰਡੇਗਾ ਫਿਰ। ਲੈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਸੁਣੋ ਯਾਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਯਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕ ਸਕਦੇ? ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਯਾਰ ਅੱਗੇ? ਹੈ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਯਾਰ ਅੱਗੇ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਹੈ। ਅਸਾਬੇ ਕਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰ ਪਏ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਕੱਢਣਗੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਓ 309 ਸਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਅਤੇ ਰਜਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਬੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਵਲੀ? ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾੜ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚੜਾਵਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਚੜਾਵਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਰੀ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮੱਖੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚੜਾ ਦੇ ਪਰ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੱਖੀ ਵੀ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਮੱਖੀ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕਦਾ? ਅਤਾਹੀਆਤੁ ਲਿਲਾਹਿ ਵਸਲਾਵਾਤੁ ਵਤੈਬਾਤ ਕੁਲਿਨ ਸਲਾਤੀ ਵਨੁਸੁਕੀ ਵਮਹਿਯਾਯਾ ਵਮਮਾਤਿ ਲਿਲਾਹਿ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ। ਕਰੀਮ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਲੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਨਿਆਜ਼ ਸਬੀਲ ਪਾਣੀ ਬੱਕਰੇ ਛਤਰੇ ਹਲੀਮ ਦਾਲ ਨਾਨ ਛੋਲੇ ਚਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮੱਖੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੰਨਤ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਆਹ ਬੋਲਾ ਵੀ ਮੱਖੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਆ ਵੇਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਲੀ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਆ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਅਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਸਾਂ ਸਭ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਪੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ? ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਾ ਵੱਜਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਜਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਆਲੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਰਬਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਝੁਕਾ ਤੋ ਕਿਸਕੇ ਆਗੇ ਝੁਕਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੋ ਤਯੰਮਮ ਸੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਸਜਦਾ ਕੀਆ ਤੋ ਕਿਸਕੋ ਕੀਆ ਹੈ? ਹਾਂ, ਠੰਡ ਪਾਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਲਾ ਬਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਮਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਏ, ਵਿਗੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਕਰਬਲਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਨ ਸੁਣੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਉਹਦੇ 5-6 ਕਿੱਲੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾ ਦੇ। ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਨਾਲ, ਲਓ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਜੇ। ਹੁਣ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਵੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ 5 ਕਿਲੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮਰਨ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੜੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਹਾਮਿਦ ਹਾਮਿਦ ਆਸਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਆਇਆ ਆਜਾ ਆਜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਕਰਦੀ ਮੇਰ ਬਾਂ ਆਤੇ ਆਤੇ ਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੇ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਚੰਨ ਮੇਰਾ ਮੱਖਣ ਮੇਰੀ ਮਲਾਈ 500 ਫੇਰ ਲਿਆਈ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਲਵ ਯੂ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਬੈਠੇ ਇਮਾਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਦਨੀ ਕਰੀਮਾ ਕਦਾ ਕਲਮਾ ਬਣਵਾ ਲਿਓ ਵੇਖ ਲਓ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਹ 500 ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਵੇਖੋ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਪਰ ਬੋਲੋ ਮੌਲਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਮੌਲਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰਲ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰਲਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਕਵੋ ਆਮੀਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਮੀਨ ਕਵੋ ਜੰਨਤ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਭ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਵਰੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੋਲੇ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਲੈ ਲਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਅਤੇ ਬੋਲਣੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਊ ਮਰ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਟੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਅਗਲਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਬਰ ਚੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾ ਚੰਨੂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਲਾ ਇਸ ਮੇਰੇ ਚਾਂਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਜਗਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਬਿਗੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਿਸ਼ਾਨ ਵਖਾਉਣ ਲਿਖੋ ਖਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਿਸ਼ਾਨ ਵਖਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਨ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਇੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਹਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਕਵਾ ਅਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨਾ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨਵਾ ਲਿਓ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲਓ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਨਬੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਖੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਛੱਡਣੀ ਕਿਉਂ ਆ ਅਜ਼ਮਤ ਆਲੇ ਨਬੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਕੋ ਹੋਰ ਲਿਆ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ ਹਯਾਤੀਆਂ ਮਾਣੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਮੇਰਾ ਮੱਖਣ ਮੇਰੀ ਮਲਾਈ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵੇ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਪੜੋਸ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵਕਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਵਕਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਤੀਮ ਕਿਉਂ ਮੈਂ 25-26 ਸਾਲ ਖੁਦ ਯਤੀਮੀ ਵੇਖੀ ਹੈ
और मैं उस चीज़ नूं एहसास च रखिया कि जड़े दुख मैं वेखे ने किसी यतीम नूं ना वेखन देवां। और हदीस मेरे नबी दी आना व काफिलुल यतीम फिल जन्ना, हरमा जिसने यतीम के सर पे हाथ रखा कफालत की वह जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये शहादत वाली उंगली के साथ ये साथ वाली उंगली है। ना अल्लाह जिन्हें बैठने अपने नबी का गवांड नसीब फरमा, अपने हबीब का पड़ोस नसीब फरमा। अर्ज करना चाह रहा मेरे कमली वाले महबूब नू मानने वाले, मैं जिथे बात समझाना चाह रहा सा चाहिदा सी कूफिया इमामे मुस्लिम का साथ ना छोड़ दे, मगर एक तो बाद दूसरा जा रहा वे, दूसरे तो बाद तीसरा जा रहा है। जो नवासा रसूल का भेजे आया सबीर वेखे आऊ सारा खानदान साथ छड़ गया है और कूफिया ने हाथ खड़े कर दिते नहीं, हूँ शहजादियां नाल लिया और काजी शरह के पास पहुँचे नहीं। आंदे ने काजी जी आ मेरे दोनों शहजादे मदीना पाक भेज दिया जे, पता नहीं कल मेरे ना क्या बन जाना वे, दोनों नन्ना शहजादियां नाल लिया वे, इन्ना नहीं लाए हुआई ना लहराज, दोनों शहजादियां नाल लिया काजी दे हवाले कर दिता वे। उधर नौ ज़ुलहज दा देने इमामे मुस्लिम नु गिरफ्तार करके बेड़ियां डाल के जदों जालम ने चबूतरे दे इमाम नु जख्मी करके शहीद कर दिता वे, उधर दस ज़ुलहज दा देने सुबह ईद दा दिहाड़ा इमाम ने देखा दोनों शहजादियां दा बाप शहीद हो गया वे। ये नन्ने शहजादे काजी की अदालत अंदर नहीं, काजी ने सिर दे हाथ रखे आवे प्यार करके रो रहे आई, कहंदे काजी जी क्यों इन्ना प्यार करके रो रहे जे, ईद दा देने क्या सी यतीम ते नहीं हो गए, क्योंकि यतीमां दे सिर ते हाथ रख के लोग प्यार कर देने। फरमाया हाँ, अर्ज कीती बचियो बोलो, काजी कह रहा हाँ तुसी यतीम हो गए जे। दोनों शहजादियां दियां चीखां निकल गईयां, अज परदेस वे यतीम हो गया हूं। काजी जी हर बच्चा अपने अबू ना मिलता है, असी अर्ज करिए सानू काजी साहब इजाज़त दिती जाए असी अपने अबू का लाशा वेख सकते हैं। उस दौर का जज भी हुक्मरान तो डर गया, इस दौर का जज भी हुक्मरान तो डर जाता है, उस दौर का काजी भी हुक्मरान तो डर जाता है, इस दौर का काजी भी हुक्मरान तो डर जाता है। जदों अजीजा ने मन लफज सुन वाला है इन्ना नहीं लाए हमाई न लहराज, चाहिदा सी काजी नू ओते आन जान वाली चीज़ हुंदी है, कहंदा आओ मैं तानू मुस्लिम दा लाशा दिखा देना है तानू प्यार करा देना है। मगर जालम ने फौरन क्या ना ना किते अपने ज़ियाद मेरे ते भी कोई तोहीन ना ला दवे, मैं ज़ियारत नहीं करा सकदा, इत्थे जरा अपने अपने अंदर झांक लवाओ कि मुसलमान उस दौर च भी जजा ने डंडी मारी, इस दौर च भी जजा ने डंडी मारी है। हां दे काजी जी के अपने अबू दा लाशा ईद वाले दिन चुम नहीं सकते, ईद की खुशी नहीं लै सकते, लोगों के बचड़े अपने अबू को ईद लै रहे नहीं, जानते जे यतीम की हा के असी होंगी है। इतने प्रायमरी स्कूल का मास्टर होवे, हाई स्कूल का मास्टर होवे, मिडल स्कूल का मास्टर होवे, मदरसे का कारी होवे, बच्चा फीस लैके आनी नहीं आया, फिर लैके आनी नहीं आया, तीसरा देनी क्लास च छड़ी पकड़ी है, टीचर ने इंज करके छड़ी उठाई है और ऐलान किया है हाथ अगे कर मैं छड़ी मारो, फीस लैके नहीं आया, बच्चे की अख डुली अखा चो आंसू निकले, भरी क्लास ने वेख आए मास्टर की छड़ी रुक जाएगी, गरीब तो गरीब मास्टर भी आवे, बच्चा रोया क्यों नहीं, आंदा मास्टर जी मैं किवें फीस लैके आवां, मैं यतीम हाँ, मेरी माँ लोका कर कम कर दिए, वो साडा पेट पाले या सानू स्कूल भेजे, गरीब तो गरीब मास्टर भी कहता है पुत्रा तेरे पैसे मैं देवांगा, तेरी फीस मैं देवांगा, तेरिया किताबों का इंतजाम मैं करांगा। बच्चिया गल ना लग जाओ, मगर एक मुस्लिम दे शहजादे ने काजी जी अपने अबू का लाशा नहीं वेख सकते, आते पुत्रो जड़ा मिले के आ जाए, यतीमा बेकस मजबूर तनहा मुसाफर है मदीने के, हम है टुकड़े हजरत है मुस्लिम के सीने के, इन्ना लिल्लाह वइन्ना इलैहि राजिऊन, ओ इंशाल्लाह मरन न पाप किसे दे, ना यौन यतीम न माने यतीमा ताई दुनिया अंदर सीने खौन लगावे, कद
ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਵੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆਈ। ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦਵੇ, ਯਤੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਪਣਿਆਂ ਜੈਸਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੋ ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੀ, ਇੱਧਰ ਤੇਰੇ ਪਾਂਜੇ ਭਤੀਜੇ ਖੜੇ ਨੀ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਫੜਦੇ ਸਿਲਵੱਟਾ ਪੈਦੀਆਂ। ਅਬੂ ਜੀ ਮੁਝੇ 5000 ਚਾਹੀਏ, ਮੁਝੇ 10000 ਚਾਹੀਏ, ਮੁਝੇ 10000 ਚਾਹੀਏ। ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਟੂਆ ਫੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੀ। ਇਹ ਦੋ ਪੁੜਤੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਯਤੀਮ ਖੜੇ ਨੀ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇ। ਜੇ 500 ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ, 1000 ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ 600 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਾ ਮੈਨੂੰ 1100 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੋਖਰਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਅਹਿਮਦਪੁਰ ਸਿਆਲ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਗੜ ਮਹਾਰਾਜਾ 'ਚ ਜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੋ, ਆਜ ਜਾ ਕਰ ਕਹਿਣ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਯੂ ਪਾਪਾ, ਆਈ ਸਲੂਟ ਯੂ ਪਾਪਾ, ਆਈ ਮਿਸ ਯੂ ਪਾਪਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਵੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੇ, ਜਿਨਕੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਉਨਕੇ ਸੂਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਜਿਨਕੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਉਨਕੇ ਜੂਤੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਜਿਨਕੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਉਨਕੀ ਗੜੀਆਂ ਪਹਿਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ। ਯੇ ਦਿਨ ਮੈਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਜਿਨਕੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਉਨਕੋ ਈਦ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਬੂਏ ਢੋ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਵੀ ਟੁਕੜੇ ਖੋ ਲੈਂਦੇ। ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸ਼ਰੀਕ ਵੀ ਬੂਏ ਢੋ ਲੈਂਦੇ, ਬਿਨ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਵੀ ਟੁਕੜੇ ਖੋ ਲੈਂਦੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਤਲੇ ਮਨੋ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰਾ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ। ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕੋ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਤਨ ਤੇ ਹੰਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕੋ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਧੀ ਕੱਟੀ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਡ ਆਪ ਲਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੰਡੇ ਸਾਲਨ ਲੋਕ ਖਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਮਾਪੇ ਖਬਰੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਤੱਤੇ ਸਾਲਣ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਦੇ ਨਖਰੇ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਫੇਦ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਘਰ ਦਾ ਰੱਖ ਖਬਰੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈ ਦੋ। ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਬਰ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਚੰਨ ਮਨਵਰ ਸੂਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਖਬਰੀ ਪਾ, ਇੱਥੇ ਰੰਡੀਆਂ ਹੋਣ ਸੁਹਾਗਣਾ ਅਜੇ ਮਨੋ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਚਾ, ਇੱਥੇ ਗਾਨੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਰੋ ਰੋਟਾ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਬਿਖਾਏ ਛਾਲੋ ਕੋਈ ਪਰਦੇਸ ਨਾ ਥੀਵੇ।
ਖੁਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚਰਨ ਨਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਮਾਣੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਜਿਸ ਬੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਰਹਿਰਾਜ ਰਾਤ ਦਾ ਬਿਖਤ ਰੱਖਦੀ ਉਹ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਬਾਹ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਬੀਬੀ ਕੌਣ ਵੇ ਬੱਚਿਓ ਬੋਲੋ ਕੌਣ ਜੇ ਵੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਬੱਚਿਓ ਕੋਈ ਹਸਬ ਨਸਬ ਦੱਸੋ ਵੇ ਕੋਈ ਨਾਨਕਾ ਦਾਦਕਾ ਦੱਸੋ ਆਂਦੇ ਬੀਬੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਸਾਡਾ ਹਸਬ ਨਸਬ ਬੜਾ ਉੱਚਾਈ ਆਂਦੀ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਆਂਦੇ ਯਤੀਮੋ ਇੱਥੇ ਗੜ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਚੌਕ 'ਚ ਖੜਾ ਵੇਂ ਹੈਰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਖੜਾ ਵੇਂ 18,000 ਖੜਾ ਵੇਂ ਸ਼ੋਰ ਕੋਟ ਖੜਾ ਵੇਂ ਮੱਲੂ ਮੋੜ ਖੜਾ ਵੇਂ ਬੱਕਰ ਚੌਕ ਆਦਮ ਲਈਆ ਖੜਾ ਵੇਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੌਣ ਏ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਏ ਤੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਏ ਲੋਕੋ ਤੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਆਂਦੀ ਵੇ ਬੱਚਿਓ ਕੌਣ ਜੇ ਆਂਦੇ ਬੀਬੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦੀ ਏ ਅਸੀਂ ਰੁਲੇ ਹੋਏ ਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆਂ ਵੇ ਦੱਸੋ ਕਿਤੇ ਬਚੜੇ ਜੇ ਆਦੇ ਯਤੀਮੋ ਬੇਕਸ ਮਜਬੂਰ ਤਨਹਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹੈ ਮਦੀਨੇ ਕੇ ਹਮ ਹੈ ਟੁਕੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮ ਕੇ ਸੀਨੇ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆਂ ਰਾਹ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆਂ ਮੈਂ ਹਜ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪਲੈਨ ਸੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਸਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ 8 ਦਿਨ ਮਦੀਨੇ ਰਵਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਏ ਮਦੀਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਦੀਨਾ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਅਸੀਂ 8 ਦਿਨ ਰਹੀਏ ਹਾਜੀ ਅਤੇ ਰੋ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੋਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮਦੀਨਾ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਿਆ ਏ ਗਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨੇ ਦੇ ਕਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਬਸ ਖੇਤੀ ਅਲੀ ਕੀ ਕੱਟ ਗਈ ਬਸਤੀ ਉਜੜ ਗਈ ਬਸ ਖੇਤੀ ਅਲੀ ਕੀ ਕੱਟ ਗਈ ਬਸਤੀ ਉਜੜ ਗਈ ਪਰਦੇਸ ਮੇ ਹੁਸੈਨ ਸੇ ਜ਼ੈਨ ਵਿਛੜ ਗਈ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾ ਮਰਨ ਨਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ ਮਾਣੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਜਿਸ ਬੈਣ ਦਾ ਵੀਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਇਆ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚੇ ਆਲੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਨਲਾਇਆ ਦਲਾਇਆ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਸੁਲਾਇਆ ਰਾਤ ਦਾ ਬਿਖਾ ਹਾਏ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਅੱਬੂ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬਿਲਬਲਾਏ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸੁੱਟੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੋਰ ਕਾਹਦਾ ਆਈ ਆਦੀ ਵੇ ਸੋ ਜਾਓ ਵੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਸ ਨੇ ਦੀਆ ਜਲਾਇਆ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਦੱਸ ਪਾਈ ਸੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਾਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਬੀਬੀ ਆੜੇ ਆ ਗਈ ਆਂਦੀ ਅਰੇ ਸੈਯਦ ਹੈ ਤਮਾਚੇ ਨਾ ਲਗਾ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਵਰ ਕੋ ਖੁਜ਼ਮੀ ਪਰ ਨਾ ਗਰਾ ਬਸਰ ਬਸ ਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਵੋ ਦੇਖ ਮੁਝੇ ਪਾ ਤਮਾ ਗਮਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ ਅਰੇ ਸੈਯਦ ਹੈ ਤਮਾਚੇ ਨਾ ਲਗਾ ਕੁਰਾਨ ਕੇ ਵਰ ਕੋ ਜ਼ਮੀ ਪਰ ਨਾ ਗਰਾ ਬਸਰ ਬਸ ਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮੀ ਜਾਤੀ ਹੈ ਵੋ ਦੇਖ ਮੁਝੇ ਪਾ ਤਮਾ ਗਮਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ ਤਾਲਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਵੇ ਬੜਾ ਬੋਲਿਆ ਨੰਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜ਼ਾਲਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਉਤਾਰਾਂਗਾ ਇਬਨੇ ਜ਼ਿਆਦ ਕੋ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ਿਮਰ ਕੋਲੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬੜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂ ਸੈਯਦ ਆਉਂ
मेरी गल मनेगा। आंदा बोलो, कहंदे मेरी आखरी खाश मेरी अखां दे सामने मेरे वीर दा टुकड़ा ना कर। आखरी लफ्ज़ ने पल्ले बनिया जी, मैं सैयद दी शहादत पढ़ने वास्ते आया सा। जरा लफ्ज़ सुनिया जी, ध्यान नाल हर अख रो रही है, मैं आना दर्द दे जावां ना। कहंदे बोल की मांगना वे। आंदा कुछ नहीं मांगदा, मेरी अखां दे सामने मेरे नन्ने वीर नू ना मारी। मेथों वीर दा लाशा वेख्या नहीं जाणू, पहले मेरे ते वार कर लो। इनू वीर कहंदे ने, आंदे आ नन्या वीरा अबू वाला प्यार देवा। जो गल लाया वीर वीरां दे दर्दी हुंदे, वीर वीरां दियां बावां ओए बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मावां ठंडियां छावां। ओ वीर वीरां दे दर्दी हुंदे, वीर वीरां दियां बावां ओए बाप सिरां दे। यूसुफ कोल मिस्र विच फौज बड़ी है, पर अपने आप नूं कल्ला समझदा है। जिस दिन वीर गले ना लगे ने, आदे ने वीरा सानू माफ करेगा की करेगा। ओए पुत्रो वीरो गले लग जाओ, ओ प्यार ते मिस्र दे बाजारा च नहीं लब्बा। जिहड़ा तुहाडे गले ना लगे आवे, भरा ना छड़िया कर। भरावां नूं दुख नी देई दे, भरावां नाल मुहब्बत करी दी। मैं जुमला कवां जरा दर्द वाला वे, गल ना लाया लै ओ वीर हवाले रब दे। जरा तसब्बर च जाना, जो पता वे घड़ी बाद असा दोना शहीद हो जाना। में बेजालमा ने जुलम दी अखीर कर दी, बच्चियां दा क्या कसूर सी, मगर इन्हां ने लाए हुआ इन्हें लहराज मुसलमान। जो दोनों शहजादे शहीद हो गए नी, आंदे ने लै ओ वीर हवाले रब दे। मेले चार दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फेर मिलांगे। जदों यकम मुहर्रम दा दिन आया, इमाम आली मुकाम दा काफला यकम मुहर्रम नूं मैदाने करबला पहुंचया। पुछया केड़ी जाए, आका मैदाने करबला आए। हरमा डेरे लगा दो, एहो मेरी आखरी आराम गाए। मेरे नाना रसूल ने फरमाया जी, मेरा बचड़ा शहीद होएगा, जिदी शहादत की खबर जबरील लैके आया। क्या करबला की मट्टी दिखाईए, ऐ मेरा हुसैन शहीद होएगा। मेरे नाना दी पशीन गोई सामने आ गई है। जो सैयद ने पारे लगाए नहीं, 72 आदमियां ते मुश्तमिल काफलाए, नहरे परात ते पारे लग गए नहीं। 7 नूं सैयद ते पानी बांधे, 8 नूं सैयद ते पानी बांधे, 9 नूं सैयद ते पानी बांधे। एहो शर्त सी, नाने दा दीन रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, लुटी जाए भावें जो हुसैन दी अज, मगर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। तिन दिन दे दरियाए सैयद होइया सब दियां खुशक जबाना, फिर भी वद वद दितियां जाना। मेरे गा दियां शेर जवाना, मेरे इमाम ने खुतबा दिता है। ओ जालमो किदे ते पानी बंद कर दे जी, खुद खत लिख के बुलाया जी, अज बेवफा हो गए जी। हुसैन आया नहीं, हुसैन बुलाया गया वे। जान दे जे मेरे ते पानी बंद कर दे जी, मेरे नाना रसूल दा गुजर होया। अपनी दी पात्मा दा दरवाजा खड़काया, दरे बतूल ते मुस्तफा आए नहीं। मेरी दी नन्ने नन्ने शहजादियां दे रोने दी आवाज आ रही है, अबू जी मेरे शहजादे प्यासे बिलकदे पै नहीं, घर च पानी मौजूद नहीं गा। मेरे आका ने गोद विच अली दे लाल नूं उठाया वे, जहरा दे बचड़े नूं उठाया वे। जदों गोदे मुहम्मद विच अली दे लाल लेटे होए नहीं, सरकार ने जबाने नबूवत निकाली है। हरमा लैओ मेरे शहजादे आओ, जरा मुंह खोलना। वो मेरी धी दे लाल अपने नाने दी जबान चूस के प्याज खत्म कर लाओ। तेरे नाना रसूल कोलों तेरा प्याज सारा ना बर्दाश्त नहीं हुंदा। आओ मेरे आप बचे आओ, अपने नाने दी जबान चूस रहे। अज उस नाने दे नवासे नूं प्यासा शहीद किया जा रहा है। तेरे
देंदे तेरे आए सैयद हुसैन क्या होवेगा नाना जी अज आके वेखो ते सही जिन्हों जुबान च साई है अज ताडे मनन वाले हुसैन नू पानी भी पीन दी इजाजत नहीं दे रहे खानदान तड़पदा पिया है बचड़े बिलकते पै नहीं दियां बिलकदियां पईयां नहीं जुबान खुश्क हो गई है हले खुश्क हो गया वे सैयद नमाज तयम्मम ना पढ़ रहा वे कुरान की तलावत करता पिया वे तीन दिन दे तेरे आए सैयद होइयां सब दियां खुश्क जबाना फिर भी वद वद दितियां जाना मेरे गाजियां शेर जवाना मेरे इमाम ने खुतबा दिता है हजरत अब्बास अलमदार खड़े नहीं मेरी भतीजी बोल चचा अब्बास जरा पानी लेके आओ ना साकी आले बैद गाजी अब्बास अलमदार अगे बड़े नहीं नहरे पर हाथ तो पानी का मशकीदा भरे आए सालम ने वार किया है तीर मार के मशकीदा फाड़े आवे इमाम दे दोनों बाजू कलम कर दिते नहीं कयामत तक अली दा बचड़ा अब्बास दुनिया के चाचिया पैगाम दे गया वे भतीजिया के रिश्ते छोड़ के रिश्ते बाहरों लभने वालो भतीजिया दियाँ तलाक करान वालो भतीजिया दियाँ तलाकों में करदार अदा करने वालो भतीजे छोड़ के रिश्ते बाहरों ढूंढने वालो दुनिया च चाचा लैके आओ जिन्हें भतीजिया ते चाहन वारी हो एक अली दा लाल अब्बास मिलेगा अपना खानदान कटा दिता है भरा दे बच्चिया ते अपना खानदान कटा दिता है अली दे खानदान उत्ते अपने वीर दे पुत्रा उत्ते बाजू कटाते नहीं जदो अब्बास दे बाजू कलम होवे नहीं आखिरी लफ्ज़ा ते कबा करांगा इन्ना लिलाह व इन्ना इलैहि राजिऊन चचा अब्बास तेरी वफा नू सलूट पेश करना वे कैसा चचा जी भतीजिया ते जान कुर्बान कर गया है अज दे चाचे भतीजिया नू बराबर दा रोजा नहीं रखा सकते बराबर दा रोजा खिला नहीं सकते बराबर दा मकान लैके दे नहीं सकते बराबर दी गड्डी लैके दे नहीं सकते बराबर दी जुत्ती नहीं पहना सकते बराबर दे जोड़े नहीं पहना सकते बराबर दे कपड़े नहीं लैके दे सकते एक अली दा लाल करबला विच जिन्नू हजरत अब्बास अलमदार कहंदे ने हुसैन दे बच्चियां दे सामने अपनी जान दे गया वे पानी लैन वास्ते गया वे वगदियां तीरां विच गया है चलदियां तलवारां विच लैके आन वाला पानी मशकी दा जमीन ते गिरया वे अब्बास शहीद हो गए नी उधर हजरत हुसैन कड़े भाई जान अज मैदान विच वीर कल्या छड़ गए जे जड़े वाले मुसलमान हुसैन ने खुतबा दिता मेरी दी सकीना मेरी बहन ज़ैनब जाननी है अम्मी फातमा दा जनाजा रात दे अंधेरे विच गया जी हां भाई जान जाननी है मेरी बहन कल जदो वीर दी लाश वेखे करबला विच नंगे सिर ना निकली कितने कयामत नू मेरी मां फातमा नू कोई ना कवे जिदी मां दा कफन नहीं वेखिया ओदी दी बेपरदा वेखी जी सिगदा ज़ैनबां दी वीरा करबला विच इंज दा हया वखावांगी लोग मसाला देन करनगे जैसी मां वैसी दी है जरा मुसलमानों लफ्ज़ बड़ा दर्द वाला है आखिर मैं भी खानदान रसूल दा चौकीदार हूं ये अखा चो आंसू मुहब्बत है नहीं कौन कहता है आले मुहम्मद दे गम च रोना जायज नहीं जिदी शहादत दी खबर ते नबी रोवे अखा डुलियावन जुल्फां बिखरियावन ओ हुसैन ही मेरा साबर हुसैन मेरा मजलूम हुसैन मेरा सखी लाल हुसैन जहरा दा लाल हुसैन ही जेड़े वाले नाना रसूल दा बचड़ा है दस मुहर्रम दा दिन आया वे अर्ज करदा सैयद ते बच्चियां ते पानी बांधे कासमा बाद शहीद हो गए नहीं आउना मुहम्मद शहीद हो गए नहीं असर दा वेला है मेरे हुसैन इब्ने अली ते जदो वार होया वे 5000 दा लश्कर शिमर पलीत 1000 घोड़ा लेके आया है मेरे हुसैन दे सामने कड़ावे तीर दी बारिश हो गई है नवासा रसूल असर दा वेला शहीद होया है मैनू लोग पुछदे नहीं उन्हां नू पता नहीं सी ये कलमे वाले नहीं ये जन्नत दे सरदार नहीं मैं आख्या अज ही वेख लो एक पासे बल्ले वाले नहीं एक पासे शेर वाले नहीं बल्ले वाले शेर वाले नू आंदे नहीं ये ठग नहीं शेर वाले आंदे नहीं ये ठग नहीं दूजे आंदे नहीं ये बातल नहीं तीजे आंदे नहीं ये
कातल नहीं। सोचो आज दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी जदीद दौर में भी लोग कलमा पिछे छड़ देंदे नहीं, अपनी पार्टी अगे रख लेंदे नहीं। इस तरह के उल्लू सन जिन्हें अपनी पार्टी अगे रखी नबी का खानदान कट दिता। जिमें अज तेनू कलमा याद ना रहा, तेनू सियासी पार्टी का निशान याद है, और तू सियासत विच उलमा की भी तोहीन कर जाना वे। बोलो कर दे ने कि नहीं कर दे? मौलवियां की भी तोहीन कर जाते नहीं? की है जी ये साढ़े निशान के खिलाफ ना बोले, साड़ी पार्टी के खिलाफ ना बोले। जिमें तेनू अज कलमे का हया नहीं, उवें उन्होंने कलमे वालिया का हया नहीं सी। बोलो बोलो लड़ाइयाँ होइयां के नहीं? बोलो सियासत के नाम से बंदे मरे के नहीं? थाने थानी गए के नहीं? मौलवियों की तोहीन हुई के नहीं? लोग आते ही मौलवी की शह ने, मुंडे आते ही मौलवी की शह ने। लोगो यजीद के हमैतियों ने अपनी अना की जंग लड़ी, उनको बुगज था हुसैन से, नहीं तो हुसैन ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। हुसैन ने ना किसी का बाजू तोड़ा, ना किसी का पांव काटा, हुसैन ने ना किसी के साथ कोई दगा किया, ना फरार किया, ऊंची बोले कुछ किया था। हुसैन से सिर्फ यही दुश्मनी थी कि जन्नत का सरदार है, हमारी गलत बयानियों को बात नहीं मानेगा, क्योंकि इसने नाना रसूल की शरीयत को जाना हुआ है। मैं आपको भी बोलूंगा यहाँ लफज सुने। हुसैन हर बंदा करता है, शिया देवबंदी बरेलवी वाबी एलदीस जिन्ने मुसलमान अपने अपने तरीके से आले नबी से प्यार का इजहार कर रहे हैं, मगर मैं यहाँ बात जरूर करूंगा, मुझे डर नहीं है। हुसैन हुसैन सारा जग करता है, अपने अपने रंग में करता है, मगर जो हुसैन करता है वो कोई कोई करता है। ऊंची बोले, जो हुसैन करता है वो, जरा मैं बताऊं, करबला में जब खानदान कट गया तो नसीहत करने का क्या टाइम था कि अपने नाना के हया को दाग नहीं लगाना, माँ के कफन के हया को दाग नहीं लगाना, मेरी दीद मेरी बहन पर्दे का ख्याल रखना है। मुझे बताओ, जवान बच्चों के लाश सामने हो, भतीजों के लाश सामने हो, भाई के बाजू कटे पड़े हों, किसको मसला याद रहता है, किसको शरीयत याद रहती है? ये अली का बचड़ा हुसैन है, ये नवासा रसूल है, ये मुस्तफा का प्यारा लाल है, जिसने सब कुछ कुर्बान करके भी करबला में कहा, खानदान लुटता तो लुट जाए, मगर मेरी बहन अपने नाना की शरीयत ना लुटने देना। अब कितने बैठे हैं अपनी बेटियों को पार्कों में ले जाकर डांस कराते, मेहंदी की थालियां पकड़ा कर डांस कराते हैं, अपनी बेटियों को फिल्में बनवा कर कहते हैं मेरी बेटी की फिल्म देखो। बताओ अब क्या क्या ड्रामे हो रहे? इसका मतलब है हमें हुसैनी बनने का तरीका नहीं आया, हुसैन का नाम लेने का तरीका आ गया है। अदब से लेते हैं, हुसैन का नाम इश्तिहार में लिखते हैं, हुसैन का नबी नाम हम अपने नबी जिस्म में लिख लेते हैं, बाजुओं पे लोगों ने हुसैन लिखा है, मगर जो हुसैन ने किया है वो किसी ने कुछ नहीं किया। हुसैन का फिक्र अपनाए, आले मोहम्मद ने मुश्किल वक्त में भी नमाज नहीं छोड़ी, मुश्किल वक्त में भी कुरान नहीं छोड़ा। बोले कुरान करबला में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और दुनिया की एक बस्ती है जो 10 दिन आबाद हुई आज तक बर्बाद नहीं हुई। 10 दिन हुसैन करबला में रहा, कितने दिन? ऊंची बोले कितने दिन? ये 10 दिन की बस्ती, लोगों ने कहा हुसैन का यहाँ नाम मिटा दो। आज करबला में लाखों लोग हुसैन के कब्र को देखने आते हैं। उसकी वजह क्या है? मैं तुम्हें बताऊं, उसकी वजह यह है
अल्लाह बताना चाहता है जो हुसैन आखिरी वक्त भी मुझसे सजदा करके गिला शिकवा ना करे और मेरी तकदीर पे यकीन और शक रहे, अल्लाह दुनिया को बताता है ऐ दुनिया वालों जो मेरी लिखी हुई तकदीर पे शाकर हो जाए मैं उसका नाम क़यामत तक ज़िंदा रखता हूँ। और यहाँ मैं शेर पढ़ के बात ख़त्म करता हूँ।